आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल का पेटला। इसको यहाँ पर मुंबई में, महाराष्ट्र में झुनका भाकर जब साथ में खाते हैं, भाकरी जवारी की, बाजरी की साथ में खाते हैं, पर हम लोग सर्व करेंगे विथ रोटी। और दाल को पहले भिगो लिया है मैंने 4 से 5 घंटा। ये है चना दाल, इसको मैं जार में पीसने वाली हूँ। 7-8 लहसुन, 4-5 लाल मिर्चे और धनिया। आप मिर्चे ज़्यादा डाल सकते हैं अगर स्पाइसी चाहिए तो, और नमक ये डाल के, और थोड़ा पानी डालूंगी मैं इसको, जैसे कि वो थोड़ा सा अच्छा कोर्स, मतलब ज़्यादा पतला पेस्ट होना नहीं चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब तड़का के लिए पैन में लिया है ऑयल, इसमें डालूंगी जीरा, राई, हींग, हरी मिर्ची 2-3, कड़ी पत्ता और हल्दी पाउडर। इसमें बस सिंपल तड़का है और हल्का सा नमक डालूंगी, नमक डाल था पीसते हुए भी इसलिए। और इसको मैं डाल दूंगी, जो मैंने जो मिक्सर था जो ग्राइंड किया था, इसको डाल के इसमें मिक्स कर लूंगी इस तरह से। आप नमक कम डालिएगा क्योंकि हम लोग पीसते हुए नमक डाल था हमने। अब इसको मिक्स करके जो जार में बचा हुआ था उसमें पानी डाल के मैंने डाल लिया है इसमें। अब इसमें को हमको पकाना है अच्छी तरह से, और इस पर थोड़ा मैं पानी डाल के इसको, देखिए इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको हल्के आंच में अभी पकाऊंगी, और ये कच्चा टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पकाना होगा। देखिए, और अगर ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी हो। तो ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा पतला भी नहीं। और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ, बीच बीच में इसको मैं मिक्स भी कर रही हूँ, और ये अब तक बना नहीं है। मैं चेक कर रही हूँ जब ये साइड्स छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए इस तरह से अब ये ऑलमोस्ट पक गया है। अब मैं इसकी गैस जो है बंद करूँगी और इसको सर्व करूँगी। देखिए लंच की प्लेट लगा दी है, सैलेड साथ में रखा है मैंने, और ये निष्ठा और हृदय की प्लेट है। और आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट में। इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब।